कहते हैं मानवता की सेवा करने वाले हाथ उतने ही धन्य होते हैं जितने परमात्मा की प्रार्थना करने वाले होठ। प्रेम और निष्काम भाव से मानवता की सेवा आभार है परमात्मा का जिसने ये कायनात बनाई। शुक्राना है दातार का जिसने ये जीवन दिया। मानवता की निस्वार्थ सेवा मौन प्रार्थना है, आराधना है, वंदना है, भक्ति है, इबादत है इस रचनहार की जिसकी रचना है ये संपूर्ण मानव जाति। यही सेवा जब समय के सद्गुरु के आदेशानुसार की जाती है तो समस्त संसार के लिए लाभकारी होती है। अगर हम बात संत निरंकारी मिशन की करें तो निरंकारी जगत का इतिहास मानवता की सेवा से भरा हुआ है। बाबा बूटा सिंह जी जिन्होंने मानव कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही ब्रह्म ज्ञान की दात को आगे बढ़ाया। बाबा बूटा सिंह जी अक्सर कहा करते थे सुखों के द्वार सेवा के द्वारा ही खुलते हैं। सभी मेरे बच्चे हैं और मैं सभी को सुखी देखना चाहता हूं। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी जिन्होंने मानव हित में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आपने पावन अवतार बाणी में फरमाया सेवक है जो मालिक दा हर हुक्म नु पूरा करदाई, सेवक है जो मालिक दा खलकत दी सेवा करदाई। जगत माता बुधवंती जी आपकी ममता भरी सेवाएं आज भी सेवादारों के दिलों पर अमिट कहानी की भांति लिखी हैं। इन्हीं निष्काम सेवाओं की बदौलत आप जगत माता की उपाधि से नवाजी गई। ये परोपकार की भावना और संपूर्ण समाज के हित का जज्बा ही था जिस पर युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन कुर्बान कर दिया। संपूर्ण समाज के लिए किए गए आपके सराहनीय कार्य आज भी आपकी सेवा भावना की गवाही देते हैं। आपने फरमाया जो व्यक्ति नम्रता में रहकर सबकी सेवा करता है वही महानता पाता है। निरंकारी राजमाता जी आपने न केवल सेवा भक्ति का संदेश दिया बल्कि सेवा को भक्ति में सर्वोपरि माना और कहा सेवा ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आपका मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भाव इतना प्रबल रहा कि आपने लाखों दिलों को जीत लिया। संपूर्ण हरदेव बाणी के माध्यम से आपने फरमाया संत जनों ने इस दुनिया में सब पर परोपकार किया, किसी तरह संसार सुखी हो जतन यही हर बार किया। इसी प्रकार युग निर्माता माता सविंदर हरदेव जी महाराज जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से सेवाएं निभाकर दुनिया में मिसाल कायम की। आपने अपने ममता भरे उद्गार में कहा अपना स्वार्थ एक तरफ रखकर बिना किसी एक्सपेक्टेशन के एक दूसरे के काम आए। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भक्ति के साथ साथ मानवता की सेवा की शिक्षा लगातार श्रद्धालुओं को दे रहे हैं। इस प्रकार सद्गुरु न केवल ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मानव जीवन का कल्याण करते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर देश व समाज का हर संभव सहयोग भी करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से कोविड-19 महामारी ने देश व दुनिया की तस्वीर बदल कर रख दी। चारों ओर पसरे एक अनजाने भय से मानवता त्राह त्राह कर उठी। कोरोना संकट को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया जिसका असर लाखों जिंदगियों पर पड़ा। अचानक यातायात सेवाएं बंद हो जाने से भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों की ओर रवाना हो गए।
न यात्रा का साधन, न खाने को भोजन और न ही कोई ठिकाना। यूं तो कदम चलते जा रहे थे मगर जिंदगी थम सी गई। इस दुखद परिस्थिति में सहारा देने के लिए कई परोपकारी लोग आगे बढ़े। बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं भी मानवता की सेवा में अपना योगदान देने लगी। इन्हीं में से एक रहा संत निरंकारी मिशन। संत निरंकारी मिशन अपने हजारों सेवादारों के साथ मानवता की हर संभव सेवा के लिए आगे बढ़ा। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की आज्ञानुसार भक्त सेवादार तन मन धन से दिन रात कोरोना त्रासदी से जूझते लोगों की सेवा में जुट गए। देश भर में विभिन्न निरंकारी सत्संग भवनों पर बड़े पैमाने पर भोजन के पैकेट्स तैयार किए जाने लगे और सभी नियमों का पालन करते हुए इन पैकेट्स को जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाने लगा। इन पैकेट्स में दाल, चावल, आटा, तेल, चीनी आदि खाद्य की सभी जरूरत की वस्तुएं शामिल थीं। कहीं कोई भूखा न रह जाए, इस भावना से भरे सेवादारों ने घर घर जाकर जरूरतमंद लोगों में तैयार भोजन व भोजन की सामग्री वितरित की। ऐसे ऐसे दुर्गम स्थानों पर भूखे बेहाल लोगों को भोजन के पैकेट्स पहुंचाए गए जहां दूर दूर तक खाने पीने की कोई भी वस्तु मिल पाना नामुमकिन था। ये राशन लेके हम लोग बोट में रख रहे हैं उस तरफ जाने के लिए, और थोड़ा रिस्क तो है क्योंकि बोट में एक छोटा सा होल है और एक आदमी उसमें से पानी निकालता रहेगा और बाकी सब उधर धीरे धीरे राशन लेके उस तरफ पहुंचेंगे बांटने के लिए। बोट से उतरने के बाद फिर से लगभग आधा किलोमीटर दूसरे कोने पे ऊपर जाना है जहाँ पर ये लोगों के घर हैं। एक ओर कोरोना संकट में भूख से बेहाल मानवता और दूसरी ओर सद्गुरु के कृपा से फरिश्ते जैसे सेवादार। ऐसे भी परिवार देखने को मिले जो कई दिनों से भूखे थे। इन परिवारों में भी सेवादारों द्वारा भोजन बनाकर वितरित किया गया। इत्थे ज्यादातर ना मजदूर टाइप की आबादी इत्थे जिहड़े कि रोज लोग अपना कमाई करते ने ते रोज खांदे ने, तां इन्हां नूं इत्थे राशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। सरकार द्वारा भेजा गया सी लेकिन वो पूरा नहीं पिया। सो मैं इन्हों का इतने लंगर वंडन से बहुत बहुत धन्यवाद करना कि आए ने इन्हों ने बदौलत आज लोगों का जो मेरे ख्याल कई लोग तो यह जो सवेर के बेचारे भुखे ने उन्होंने मूँह से लंगर पे है। सो बहुत बहुत धन्यवाद निरंकारी मिशन का जिन्हों की बदौलत अज इतने जो गरीब लोग है जो बेचारे भुखे लोग उन्होंने ये लंगर मिले है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में कई निरंकारी सत्संग भवनों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया। अनेक भवनों को प्रवासी मजदूरों के आश्रय स्थल का रूप दे दिया गया और इसके साथ ही इन भवनों पर आश्रितों के लिए ठहरने तथा भोजन, चाय, पानी आदि की समुचित व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ ही इनके बेहतर स्वास्थ्य हेतु योग आदि का भी प्रबंध किया जाता रहा। इन सत्संग भवनों के आइसोलेशन वार्ड में भक्त सेवादार लगातार निष्काम भाव से अपनी सेवाएं देते रहे। जैसे कि हम एक फौजी हैं, सिंपल शब्दों में देखा जाए तो हम भारत की सेवा करते हैं, हमारा परम धर्म हमारा देश की सेवा करनी है। लेकिन जो मानव धर्म हमें सिखाया वो यहाँ निरंकारी भवन में आके हमने देखा कैसे मानवता की सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है। निस्वार्थ भाव यानी कि जिसमें कोई स्वार्थ ना छिपाओ। साडी सतगुरु माता जी अगे यही अरदास है, सच्चे पातशाह ये जिदा जिदा भी आप अपने घर चो निकले आ तो उदा उदा आप अपने घर च पहुँच जाए, अपने घर जाके सुखी रहन, सदा जीवन सुखी जीण। इस दौरान मानवता की जरूरतों में से एक बेहद जरूरी वस्तु
फेस मास्क भी रहा। सेवादारों ने अपने घरों में भारी मात्रा में मास्क तैयार किया और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया। कोरोना काल के दौरान सेवादार अपनी परवाह ना करते हुए कहीं सड़कों पर खाने के पैकेट्स तो कहीं पानी की बॉटल, फेस मास्क व सैनिटाइजर आदि जरूरत के अन्य सामान वितरित करते हुए नजर आते रहे। प्रशासन के साथ मिलकर सेवाओं को निभाते सेवादारों से प्रशासनिक अधिकारी भी कायल हुए बिना ना रह सके और ये निष्काम सेवाएं देखकर भरपूर सराहना की। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਚਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਧਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करते हुए तथा स्वच्छता को बनाए रखते हुए सेवादार लगातार सेवा कार्यों में जुटे रहे। इस वैश्विक महामारी के कठिन दौर से मानवता को उबारने के लिए सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आदेशानुसार संत निरंकारी मिशन की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र सरकार के कोरोना रिलीफ फंड में 50-50 लाख रुपए की सेवाएं की गईं। संत निरंकारी मिशन की इन निष्काम सेवाओं से प्रभावित होते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट के जरिए मिशन का आभार व्यक्त किया। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने भी संत निरंकारी मिशन की सेवाओं की प्रशंसा की। इसके अलावा मिशन की ओर से दिल्ली सरकार को 10,000 पीपीई किट प्रदान की गई। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में मानवता की सेवा करते डॉक्टर्स, नर्सेस व पुलिस कर्मियों में भी पीपीई किट वितरित की गई। अनेक समाचार पत्रों और न्यूज चैनल्स ने भी इन सेवाओं के लिए मिशन की सराहना की। हम अपने शूट पर जा रहे थे, अचानक हमने देखा कि संत निरंकारी मिशन इलाके में सड़क पर एक फायर ब्रिगेड है और कम से कम 50 युवा यहाँ घरों को, दुकानों को, शटर्स को, वाहनों को, गाड़ी, कार, बाइक्स, इन सबको सैनिटाइज कर रहे हैं। लगभग 50 युवाओं के साथ यहाँ निकली पड़ी है और जब हमने इनसे बात की तो पता चला कि ये शुरू से ही ये इसी मिशन में लगे हैं। सद्गुरु के लिए संपूर्ण धरती एक परिवार है, इसका जीवंत उदाहरण पेश करते हुए दूर देशों में बसने वाले भक्त सेवादारों ने सद्गुरु माता जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए कोरोना संकट की इस घड़ी में मानवता की भरपूर सेवा की। दूर देशों में भी मिशन की ओर से सेवादारों द्वारा जहां भारी पैमाने पर खाद्य सामग्री बांटी गई तो वहीं जरूरतमंदों में मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, कपड़े, कंबल आदि भी वितरित किए गए। इस कोरोना काल के दौरान जब सत्संग कार्यक्रम स्थगित हो गया
तो सद्गुरु माता जी ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक खुराक हेतु मिशन के लिटरेचर व मिशन के ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स से जुड़ने को प्रेरित किया। इस दौरान जहां जूम ऐप के जरिए श्रद्धालु भक्त एक दूसरे से जुड़े रहे और गुरु चर्चा जारी रही, वहीं सद्गुरु की रहमत के रूप में प्रत्येक रविवार को वर्चुअल सत्संग का नियमित प्रसारण होने लगा। इस सत्संग कार्यक्रम में देश व दूर देशों के भक्तों के गीत, व्याख्यान और कविताएं तो सम्मिलित ही रहे, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वादों का लाभ भी भक्तों को प्राप्त होता रहा। सेवा से है कायम ये कायनात सारी, है कण कण सिखाता औरों के काम आए। मुबारक वो जीना जो जीवन संवारे, धन्य वो सतगुरु जो सेवा सिखाए, धन्य वो सतगुरु जो सेवा सिखाए।